पानी लाने के लिए लोग इतना दूर से जाते हैं, गाड़ी तो आपके पास नहीं होगा, पैदल जाते होंगे आप लोग पानी लाने के लिए। अब बताइए, उतना जानवर खाता है, एक टाइम तो वो खाएगा, चार टाइम में। अब लाज के बस में कोई भीख मांगेगा थोड़ी है। सही बात है, अपना समय और देता भी ना है, कहे कि आप तो अच्छे खासे हैं, अच्छा आदमी है, भीख मांगने आया है ना। ऐसा है कि ये खुद खाए कि जानवर को खिलाए, कुछ पता बात है ये अपने खाए कि जानवर के। पानी पीने वाला पानी कहाँ से? पानी पीने वाला पटना से ले आते हैं हम लोग, बाल्टी से उठा करके। बाल्टी से मतलब उस साइड जाते हैं, गांधी मैदान। हाँ, गांधी मैदान जाते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं पटना के मरीन ड्राइव पे, और जहाँ से गांधी मैदान को कनेक्ट किया जाता है, पीछे आप देख सकते हैं बिस्कुमान भवन, और बगल में स्टेट बैंक का आपको लोगो दिख रहा होगा, बिल्डिंग दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको उस चीज को दिखलाने आ गए हैं कि आखिर जो गंगा का जल स्तर बढ़ा है उससे लोगों को कितना परेशानी हो रहा है। मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा, चूंकि ये एरिया जो है ये एक गोलंबर बनाया गया, और इसी गोलंबर के माध्यम से जो है लोग इस मरीन ड्राइव पे आते हैं, या फिर गांधी मैदान के और जो दिग्घा से आते हैं वो वापस की ओर जाते हैं। इस जगह से वीडियो को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और इस जगह में देखिए, इस साइड में देखिए, मैं देखा हूँ तो इस साइड में यहीं से मुझे दिखने लगा है कि यहाँ पे मवेशी यानी जो जानवर होता है, गाय भैंस जो होता है, वो बांधा हुआ मिल जाएगा। तो ये मत समझ लीजिएगा यहाँ पे आप कि ये गाय भैंस मरीन ड्राइव पे गाय भैंस बांधे जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस साइड से जो लोग आए हैं इस साइड में, वो लोग यहाँ पे मजबूर हैं, यहाँ पे रहने के लिए मजबूर हैं, यहाँ पे अपना आसरा लगा के रखे हैं। मतलब कहने का मतलब अपना जो उधर उनका जो भी घर डूब गया है वो इधर आकर के शिफ्ट हो गए हैं इस मरीन ड्राइव पे। तो चले चलते हैं उस साइड में, और लोगों को कितनी परेशानी हो रही है उसको आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, और लोगों से बात भी करेंगे कि आखिर जो है उनका घर का क्या स्थिति अभी है, और पानी उनके घर तक कितना पहुंच गया है। तो चले चलते हैं उस साइड। ये जो है यहाँ पे अंदर की तरफ ये रास्ता है, ऊपर से मरीन ड्राइव है, और यहाँ पे नीचे में जो है देखिए मवेशी बांधा हुआ है, और उस साइड से जो भी आती है दिग्घा साइड से गाड़ी नीचे से होकर के वहाँ पे गांधी मैदान को जाती है। तो उस साइड से मैं इस साइड आ गया हूँ आपको दिखलाने के लिए लोग यहाँ पे कैसे अपना जीवन बसर कर रहे हैं इस मतलब आपदा में, इस बाढ़ में। देखिए एक लाइन से यहाँ से आप देख रहे हैं मवेशी बांधा हुआ है यहाँ पे, गाय भैंस जो भी है यहाँ पे देखिए बांधा हुआ है, यहाँ पे लोग रहने के लिए मजबूर हैं। चलिए चलते हैं अंदर, चचा है, उनसे बात करने में तो अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी बात करने की कोशिश करते हैं। तो चचा आप किधर से आए हैं? इधर हम सबलपुर से आए हैं। सबलपुर से? उधर की स्थिति मतलब क्या है? पूरा पानी भर गया, दहा हुआ है पूरा, बड़ा गांव सब दहा गया है। अच्छा, तो मवेशी आपका भी मवेशी यहाँ पे है? हाँ, मेरा फिर गाय है, खेती भी करते हैं, माल रखे हुए हैं। अच्छा, तो अभी मतलब उधर तो सब तो डूब गया है? सब डूब गया। तो मवेशी को कैसे मतलब नाव से लेके आए? नहीं, नाव से लाए, हेला के लेके आए हैं। अच्छा अच्छा, वही आधा पेट घास खिला काम करते रह रहे हैं। रात भर ऐसे ही रहते हैं खुले में? हाँ, इसी खुले में रहते हैं। कोई सुविधा थोड़ी है, सरकार थोड़ी डीएम साहब दिए हैं, त्रिपाल दिए या कुछ दिए रहने के लिए? अच्छा अच्छा, पानी पड़ रहा है, पुल में घुस के रह रहा है। तो देखिए इनका स्टोरी सुन के लग रहा है ऐसा कि मतलब कैसे ये लोग रात बिताते होंगे। और पानी मतलब कब कम होता है इसका कोई अनुमान तो आपको नहीं? नहीं, पानी घटेगा, बढ़ रहा है। अच्छा, तीन दिन से पानी घट रहा है। घर किधर था आपका? इधर मेरा सबलपुर जिले में मकान है। उधर सब ढहा हुआ है, सब डूब गया है। अच्छा, तो पूरा का पूरा घर डूब गया? सब डूब गया, सब डूबा हुआ है। अच्छा, सब झोपड़ी पर डूबा हुआ है। तो देखिए कितना मतलब मतलब बोल रहे हैं मतलब कि पूरा ये हो गया इस तरह का, मतलब ये जो है अपना आसरा लगाए हुए हैं। तो आप लोग रात में रहते कैसे होंगे? जैसे कि अच्छा सोच लीजिए, मतलब बारिश होता है तो उस साइड आप देख रहे हैं, उस साइड थोड़ा दिखाइएगा, उस साइड देख रहे हैं वो छावनी, मतलब जो ऊपर मरीन ड्राइव उसके नीचे जो है वो थोड़ा सा जगह है, वहाँ पे लोग चले जाते हैं जब बारिश होती है। यहाँ पे देखिए मैं आ गया हूँ नीचे में। आपका नाम क्या हुआ? राजनाथ। राजनाथ जी, मतलब उधर से आए हैं आप? हाँ, उस साइड से। हाँ। तो पानी कब बढ़ा है? पानी 2 महीने से बढ़ा हुआ है। 2 महीना से है? तो और कितना दिन रहेगा यहाँ पे पानी? पानी हटेगा, चला जाएगा सर। अच्छा, तो आप लोग मतलब कैसे गुजर बसर कर रहे हैं यहाँ पे? तो सब बैठ जाइएगा ना, अब कैसे देखिए रहे हैं चिमकिल तान कर गुजर। हमको खुद अच्छा नहीं लग रहा था, चूंकि चाचा जो है देखिए यहाँ पे बगल में जो है यहाँ पे, और ऐसा मत सोचिएगा कि मैं व्यू के लिए वीडियो बना रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। इस वीडियो को देख करके गवर्नमेंट को कुछ मतलब ये मतलब लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे इस तरह से चूल्हा में खाना बना रहे लोग, ईटा को सजा करके, और चचा भी कुछ खा भी रहे थे तो हम चचा के पास नहीं आए। चचा आप कहाँ से? उधर से ही आए हैं? अच्छा, तो कितनी परेशानी हो रही है आप लोग यहाँ पे बम्बू मतलब डाल करके, बांस को डाल करके? आप देखिए रहे हैं कि चिमकी तिरपाल तान के जो बूढ़ा बधिया तान के रह रहे हैं, हम लोग का कोई सहारा नहीं हो रहा है। बताइए, दहाड़ बहाड़ में कोई हम लोग खाने का साधन नहीं है, रहने का साधन नहीं है, दिखते नहीं है। पानी पीने वाला पानी कहाँ से? पानी पीने वाला पटना से ले आते हैं हम लोग, बाल्टी से उठा करके। बाल्टी से मतलब उस साइड जाते हैं गांधी मैदान? हाँ, गांधी मैदान जाते हैं, उधर से ले आते हैं, तब हम लोग खाते पीते हैं। अच्छा, तो ये मतलब एक तरह से मेरा रिक्वेस्ट बोलेंगे गवर्नमेंट को, चाहिए कि एक जो पानी वाला टैंकर होता है आप लोग के लिए यहाँ पे लगाया जाए। हाँ, तो लगाया कहाँ, कोई लगाया अभी तक?
क्योंकि पानी लाने के लिए लोग इतना दूर से जाते हैं, गाड़ी तो आपके पास नहीं होगा, पैदल जाते होंगे आप लोग पानी लाने के लिए। हाँ पैदल जाते हैं, हम लोग आते हैं उधर से पैदल। अब आप क्या करेंगे, कैसे हम अपना जीवन बचा रहे हैं। बाकी जैसे मवेशी आप गाय गोरु सब देखिए रहे हैं सब, इसका चारा वारा कहाँ से? कुछ नहीं, पटने से लाते हैं उधर, मथा पर चाहे साइकिल से चाहे जैसे। तो आपका घर मतलब उस साइड में कहाँ पे पड़ता है? उधर पड़ता है सबलपुर दिया। तो घर में मतलब पूरा डूब गया? पूरा डूब गया है, तब ना इधर हम लोग आए हैं। अच्छा, तो सोच लीजिए यहाँ पे कितना लोग मजबूर है रहने के लिए, मजबूर के कोई जवाब नहीं है। गवर्नमेंट को हेल्प तो करना ही चाहिए, जो भी है मुख्यमंत्री या फिर जो डीएम है उनको हेल्प करना चाहिए, कम से कम इनके लिए कुछ अनाज जो भी है जिनको जैसा हो सकता है वो मतलब प्रोवाइड करवाएं, या फिर उतना नहीं हो तो पीने का जो पानी है लोग बहुत दूर दूर से लाते हैं, बहुत तो कम से कम पानी का टैंकर कुछ जगह पे। देखिए कि एक चुड़िया पानी नहीं है, ये दरिया का पानी तो गंदा है, तो कोई कोई जानवर जानवर को तो इसी पे ही पानी पिलाते हैं, क्या करें हम लोग घटले खिलाते हैं। अच्छा, मतलब ये चारा उड़ा मतलब लेके आए थे? चारा उड़ा लेके आते हैं, क्योंकि पटना से खरीदने पड़ता है। अच्छा। अब कोई 10 किलो कोई 5 किलो जितना साधन है उतना अपना लिया कर खिलाता है लोग। सिचुएशन ऐसा है कि ये खुद खाए कि जानवर को खिलाए, कुछ पता नहीं चल रहा है। अपने खाएंगे जानवर के कहाँ से खिलाएंगे, यहाँ साधन नहीं ना है। बिल्कुल बिल्कुल, साधन कोई देने वाला है ये नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और ये यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं एक लाइन से इधर जितने भी यहाँ आपको आपको दिख रहे होंगे सब गरीब लोग हैं, ऐसा नहीं कि रईस लोग यहाँ पे आकर के शौक से रहे हैं। यहाँ कोई शौक से रहे वाला है ये नहीं है, जंगल में हम लोग तो अपना समय काट रहे हैं जाके। तो सोच लीजिए मतलब अभी जो भी इनका गुजर बसर हो रहा है, जो भी इनके पास पैसा होगा थोड़ा बहुत, उसी में कभी खा के कभी भूखे पेट रखे। हाँ तो और क्या, देखिए रहे हैं सब। अब बताइए उतना जानवर खाता है, एक टाइम तो वो खाएगा 4 टाइम में। अच्छा, मतलब जानवर का भी खुराक कम हो गया, कम हो गया, बाल्टी से क्या होगा वो? यहाँ पे बाल्टी में ही दे रहे हैं आप, मतलब छोटा मतलब छोटा सा बाल्टी है उसी में मतलब चारा मतलब दे रहे हैं थोड़ा सा ही। अब घटले अब क्या करें, जीवन बचा रहे हैं अपना। अच्छा, जीवन बचा रहे हैं कि कैसा हो, मैंने समय कट जाएगा तो फिर ओकरा बाद में खिलाएंगे अपना जहाँ से होगा तहाँ से। तो देख लीजिए हालत कितना गंभीर है इन लोगों का, इन लोगों को मतलब कहीं ना कहीं से हेल्प तो मिलना ही चाहिए, चाहे गवर्नमेंट से हो चाहे कहीं पे भी हो। आम लोग भी सामने आ सकते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं उनको सामने आना चाहिए। बाकी गाड़ी के युग में कोई सामने आने वाला कोई सहयोग देने वाला नहीं है। गाड़ी कल की मेरे काम बनता भाड़ में जाए जानता, यही यही है धरती पर। ठीक है, हम मान लेते हैं कि आपका घर उधर है। हाँ। आप यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे आने के बाद सब तो देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से या फिर जैसे भी देख रहे हैं, मालूम तो है यहाँ पे लोग इस तरह से रह रहे हैं, सब कोई देख तो रहा है। मतलब जैसे गवर्नमेंट को ही चाहिए, जैसे मैंने बोला पानी का टैंकर के बारे में, कुछ अनाज भी हो वो भी अनाज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते कुछ हैं। नहीं है, देखिए रहेंगे सब आदमी अपना। अब लाज के बस में कोई भीख मांगेगा थोड़ी है। सही बात है, अपना समय देता भी ना है, कहे कि आप तो अच्छे खासे हैं, अच्छा आदमी है, भीख मांगने आया है। सही बात, तो बात है, मजबूरी कितना आदमी दिखाएगा बाजार में। सही बात है, जैसे भी अपना गुजर बसर जैसे हो, मड़के हो जीके हो चाहे जैसे हो, अपना समय हम लोग निकाल रहे हैं, देखे रहे हैं कि कैसे कैसे पोजीशन है सरकार के, लोग मतलब है? सो रहे हैं चाहे लेडीज सरकार हो, के हाँ सरकार के साधन देना नहीं चाहिए कि हाँ तिरपाल दे दें, चाहे समय वैसा होकर तो राशन भी देना चाहिए, जानवर के मवेशी के दाना भी देना चाहिए, कुट्टी भी देना चाहिए। ये कौन देखने वाला है, लोग तो देख रहा है, जान तो है, गवर्नमेंट तक तो ये चीज पहुंच ही गया, रोड पर है तो कौन नहीं देख रहा है कि कहाँ कहाँ है। सही बात है, तब रोड पर आदमी मर रहा है तो नहीं देखता आदमी कि हाँ ये मर रहा है या। सही बात है, तो देखिए इनका स्टोरी मतलब कितना दर्दनाक है, मतलब मुझे तो सुना भी नहीं जा रहा है। तो लोगों को तो सामने आना चाहिए जरूर, और भी मतलब बहुत सारे लोग जो है ऐसे एक लाइन से आप देखेंगे पूरा का पूरा, हर साल चचा ऐसे ही रहता है, हर साल हो जाता है यही सीजन में, हर साल मतलब ऐसे ही रहते हैं आपसे ज्यादा दिक्कत हो जाता है। तो चाचा बोल रहा है कि हर साल यही नौबत आ जाता है। अच्छा, एक चीज हम पूछना चाहेंगे, पहले तो ये रोड नहीं बना हुआ था, तो फिर आप कहाँ जाके रहते थे? पहला ही ऊंचा था ये। अच्छा, ये ऊंचा था? हाँ, ये नहीं डूबता था, नहीं डूबता था। नहीं, तो उस समय तो मतलब रोड भी नहीं था, मतलब मिट्टी पे रहते होंगे? मिट्टी पर रहते थे, ऊंचा था ये। अच्छा, हाँ ऊंचा था, पहला से नहीं डूबता था, रेत था पूरा ऊंचा, अब ना पुल हो गया है, पहले बराबर था, उधर से ज्यादा ऊंचा था, मतलब उस पे इस पे पानी नहीं आ पाता, नहीं आता था। अब देखिए वो घर है नू, तो वहाँ नहीं पानी चढ़ा है, देखिए सब जानवर उधर, लेकिन बस ये लगता है कि एक फीट पानी आ जाएगा तो वो भी डूब जाएगा। हाँ डूबे जाएगा, डूब जाएगा वो सब। अच्छा, हाँ क्या करिएगा, देखिए वो झोपड़ी वहाँ डूब गया सब, सब देखिए वो सब गाँव है सब डूब गया है सब, पूरा का पूरा वो जो आप देख रहे हैं आप देखिएगा वीडियो में, तो पूरा का पूरा जो है वो उधर का सवलपुर का जो दियारा है वो डूब गया है, और यहाँ पे लोग शौक से नहीं, यहाँ पे मजबूरी में आके रह रहे हैं, और हर साल जो है यहाँ पे लोग इस तरह से जीवन बसर करते हैं। देख लीजिए पूरे परिवार के साथ यहाँ पे आए हुए हैं,
तो बस यही मतलब दिखाने के लिए हम आए हुए थे कि मेरे वीडियो के माध्यम से सरकार तक या फिर जिसके नज़र में भी ये वीडियो जाए उनको मतलब कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करना चाहिए, ताकि जो है इन लोगों का जो इस तरह का जीवन बसर करते हैं वो कहने का मतलब कुछ हद तक उनको रिलीफ मिल पाए, चूँकि इनका तो घर कोई नहीं बना के दे सकता है, लेकिन कुछ जो भी मदद है वो तो कर सकते हैं सामने आके, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी जो बड़े लोग हैं वो कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार त्रिपाल, जब बारिश आता होगा तो आप लोग सब भीग जाते हैं, क्या करेंगे हम, और रात में ऐसे मतलब आप लोग खुले में ही सो जाते हैं, मतलब है कभी इधर सोते होंगे कभी उधर सोते होंगे, इधर कभी उधर कभी उधर, जकरा जहां सा दिखाई दे साधन। अच्छा अच्छा, देखिए कितना दिक्कत से जानवर है, देख लीजिए किस प्रकार जो है जानवर को रखे हुए हैं ये लोग, और इस प्रकार का स्थिति है। और ये जो एरिया मैं दिखा रहा हूँ ये यहाँ से लेकर दीघा तक यही हाल है, तो जो भी गंगा का किनारा देख रहे हैं यहाँ से लेकर दीघा तक बोले या फिर दानापुर तक बोले पूरा एकदम लाइन से, ये तो मैं अभी लोकेशन दिखा रहा हूँ आप बोर्ड में देख रहे होंगे, ये गांधी मैदान वहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा लिखा हुआ बोर्ड में, ये गांधी मैदान के पास में जो कनेक्टिविटी है मरीन ड्राइव का उसका ये हाल है। ऐसे ही यहाँ से लेकर के आगे तक आप देख रहे हैं कि आपका जो भी है मवेशी यहाँ पे दिख रहा होगा, और लोग इस प्रकार रहने के लिए मजबूर हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे यही कुछ था, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों से जो भी हेल्प होता है या फिर अगर ये वीडियो गवर्नमेंट तक पहुँचता है तो पानी का ही या फिर थोड़ा सा अनाज का भी जो भी हो जिस प्रकार हो मदद तो इन लोग को मिलना ही चाहिए।